मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक मुस्लिम युवती ने प्रेमी से शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। गुना जिले की रहने वाली नाजमीन बानो प्यार के खातिर मजहब बदलकर अब नैन्सी गोस्वामी बन गई है और सनातनी धर्म अपनाकर युवती ने मंदिर में युवक से शादी भी कर ली है। दरअसल मामला गुना जिले का है। यहाँ के कुंभराज में रहने वाली नाजमीन बानो को 2 साल पहले टिकटॉक पर दीपक पिता बिठल गोस्वामी नाम के एक युवक से प्यार हो गया था। वह उसे फॉलो करने लगी। इसी ऐप के जरिए दोनों की बातचीत हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों 6 महीने पहले बिना बताए घर से भागे। दोनों शादी कर जिंदगी बिताना चाहते थे लेकिन अलग अलग धर्म होने से शादी नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिन पहले लड़के ने अपने परिवार से संपर्क किया। उसने परिजनों से कहा कि नाजमीन सनातन धर्म अपनाना चाहती है। युवक के पिता ने मंदसौर के चैतन्य सिंह राजपूत से संपर्क किया और इसके बाद गुरुवार रात विधि विधान से गायत्री मंदिर में सनातन धर्म अंगीकार कर नाजमीन नैन्सी गोस्वामी बन गई। दोनों ने 7 फेरे लेकर विवाह के बंधन में बंध गए। नैन्सी 19 साल की है और 9वीं तक पढ़ी है जबकि दीपक की उम्र 22 साल है और वह कॉमर्स में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। नाजमीन से नैन्सी बनी युवती शादी कर अपने प्रेमी के साथ विदा हो गई। वहीं सब इस शादी की चर्चा चारों तरफ हो रही है। मेरे खुद की मर्जी से, किसी के बहकावे में, किसी की जोर जबरदस्ती में आके नहीं, मेरी खुद की मर्जी से शादी की है इनसे, क्योंकि मैं इनसे प्यार करती थी, लाइक करती थी इनको। मतलब मैंने घर वालों को छोड़ा है, मुझे उससे भी अच्छा परिवार मिला। इनके घर, इनके परिवार वालों ने मुझे बहुत अच्छे से अपना लिया है। हमने यहाँ मंदसौर बुलवाया और यहाँ पूरे वैदिक पद्धति से उसके संस्कार हुए। बच्ची ने सनातन धर्म अपनाया और उनका विवाह भी हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ।